नमस्कार, मैं नितेश सिंह। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं क्लास सिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 16 के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। और इस चैप्टर का नाम है गार्बेज इन गार्बेज आउट, ठीक है, यानी जो कूड़ा कचड़ा है इसके इससे रिलेटेड हम आज बात करने वाले हैं। ये चैप्टर जो है हमारे घरों से निकलने वाले जो गार्बेज हैं, जो कूड़ा कचड़ा है उसके बारे में हम बात करेंगे। मतलब कचड़े की अगर हम बात करें तो कई प्रकार के कचड़े हो सकते हैं, चाहे वो हमारे स्कूल से निकलने वाले कचड़े हों, चाहे हमारे किचन से निकलने वाले कचड़े हों, या जो भी कूड़ा करकट है, चाहे ये कह सकते हैं कि जो हमारे घरों से निकलते हों या ऑफिस से निकलते हों या इंडस्ट्री से, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें, ठीक है। आइए आगे शुरू करते हैं। गार्बेज इन गार्बेज आउट के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वेस्ट क्या होता है। वेस्ट का मतलब ये होता है जो बर्बाद हो गया, यानी कि बिना काम का। वेस्ट का मतलब क्या हुआ? बिना काम का, ठीक है। तो वेस्ट हम उसी सब्जेक्ट सब्सटेंस को कहते हैं जो कि डिस्कार्डेड हो गया हो, यानी उसका कोई फर्दर यूज ना हो, यानी हमने उसका प्राइमरी यूज कर लिया, जो भी यूज था उसका हमने प्राइमरी यूज कर लिया, या वो डिफेक्टिव हो गया या खराब हो गया, तब हमने उसे बिना खराब हो गया क्या क्या मतलब है कि वो हमारे अब काम का नहीं रहा, या एंड ऑफ नो यूज, या हम उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो क्या है वो वेस्ट, ठीक है। ऐसे कोई भी सब्सटेंस जिसका हमने प्राइमरी यूज कर लिया हो, यानी कि जो जिस काम के लिए उपयोग में लाया जाना था उसने हम उस काम में हमने उस सब्जेक्ट का या सब्सटेंस का प्रयोग कर लिया है तो डिस्कार्डेड हो गया है ना, या डिफेक्टिव हो गया, वो टूट गया या खराब हो गया तो हमारे लिए बिना काम का हो गया, या हम उसका फर्दर यूज ना कर रहे हो तो क्या है, ये सारी चीजें क्या कहलाएंगी? वेस्ट कहलाएंगी, ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वेस्ट को हम डिफाइन कैसे कह सकते हैं, तो अनवांटेड एंड अनयूजुअल मटेरियल, जिसका आगे कोई काम ना हो, जिसकी हमें कोई चाह ना हो, जिसका हम आगे कोई प्रयोग न कर सकें, वैसी चीजों को, वैसे मटेरियल को हम क्या बोलेंगे? वेस्ट मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो बहुत सारे कूड़े कचड़े रोड के किनारे आप देखते होंगे, या घरों के बाहर, या ऐसे ढेर लगा हुआ मिलता है। शहरों में आप देखोगे बड़े बड़े पहाड़ जैसे स्थिति बन गई है ये वेस्टेज का, ठीक है। तो ये कचड़े जो है, ये जिसका हमने फर्दर यूज कर लिया या एक बार दो बार यूज कर लिया, वो क्या हो गया? वो बेकार हो गया, वेस्ट हो गया। अब हम बात करते हैं गार्बेज क्या है, यानी कूड़ा करकट जिसको कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम अपने आसपास देखें, अपने हम घरों के आसपास देखें, अपने सराउंडिंग्स में देखें, तो क्या हमें बहुत सारी चीजें गार्बेज के रूप में मिलेंगी, या कह सकते हैं कि बहुत सारी चीजें गार्बेज में मिलती हैं, ठीक है। व्हाट इफ द गार्बेज इज नॉट रिमूव्ड, यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम अपने घरों से, अपने आसपास से गार्बेज हटाए ही ना, वहीं रहने दें, वैसे ही पड़े रहने दें, तो क्या होगा? एक दिन धीरे 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 क्या हो जाएगा, वहां पे गार्बेज का ढेर हो जाएगा, जहां हमें रहना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम डे टू डे जहां भी हम कहीं रहते हैं, चाहे हमारी शॉप हो, चाहे हमारी दुकान हो, या हमारा स्कूल हो, या हमारा घर हो, या रोड पर आप देखते हो म्युनिसिपैलिटी के जो सफाई कर्मचारी होते हैं, वो हमेशा सफाई करते रहते हैं दिन प्रतिदिन। अगर वो ना करें तो क्या होगा? ढेर लग जाएगा गार्बेज का, है ना, जो कि हमारे लिए क्या होगा? हार्मफुल हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है। व्हेन सफाई कर्मचारी टेक द गार्बेज फ्रॉम द बिन्स, अब यहाँ पे देखो कि जो हम बिन्स में, कहीं कहीं जहाँ बिन्स लगे होते हैं, जो डस्टबिन होते हैं या गार्बेज बिन होते हैं, है ना, कूड़ा कचड़ा का जो डब्बा होता है उसमें हम डाल देते हैं, हमने कुछ भी इस तरह की चीज, जैसे चाहे अगर हम कहें चिप्स हमने खाया, है ना, तो चिप्स तो हमने खा लिया, लेकिन पैकेट का क्या किया हमने? पैकेट को डाल दिया बिन में, ठीक है, बिन में डाल दिया। तो ये बिन से कौन निकालता है? तो ये जो म्युनिसिपैलिटी कर्मचारी जो होते हैं, सफाई कर्मचारी जो होते हैं, ये यहाँ से बिन से जो भी हमारा कचरा होता है वो निकालते हैं। और इसे अब ये वेयर डज द गार्बेज गो एंड व्हाट हैपेंड टू इट, इस गार्बेज का होता क्या है के बारे में भी हम जानेंगे। ये गार्बेज जाता कहाँ है और इसका क्या होता है फर्दर, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। इसमें इसके साथ साथ इज इट पॉसिबल फॉर ऑल दिस गार्बेज टू बी चेंज इनटू समथिंग दैट विल नॉट हार्म अस, क्या ऐसा पॉसिबल है कि जितने भी ये गार्बेज हैं इसका कुछ न कुछ ऐसे में बदल दिया जाए, या ऐसा चीजें बना, ऐसी चीजें बना दी जाए जो कि हमारे लिए यूजफुल हो, यानी कि हार्मफुल ना हो।
बारे में भी हम जानेंगे, क्या क्या ऐसे गार्बेज हैं जिससे हम दोबारा उस चीज को रिसाइकल कर सकते हैं या उसको चेंज कर सकते हैं दूसरे किसी फॉर्म में, है ना, जो फर्दर बाद में भी यूज कर सकें। कैन वी कंट्रीब्यूट टुवर्ड दिस इन एनी वे, क्या हम इस तरह के कार्यों में अपने आप को या अपना कोई कंट्रीब्यूट दे सकते हैं, है ना, क्या हम कुछ ऐसे में मदद कर सकते हैं कि ये जो गार्बेज है इनका कुछ ना कुछ ऐसी चीजों में बदलाव हो जाए या ऐसी चीजों में इसके चेंजेस हो जाए जो कि हम फर्दर बाद में यूज कर लें और उससे हमारी हानि भी ना हो। तो इन सभी मैटर्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि क्या होगा जब हमारे आसपास बहुत सारे गार्बेज इकट्ठा हो जाएगा। तो क्या आप ये सोचते हो कि ये हमें नुकसान करता है? तो हाँ, ये गार्बेज अगर इकट्ठा होगा तो ये हमारा नुकसान ही करने वाला है। ठीक है, आइए इसके बारे में शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, तो गार्बेज जो है दो तरह से कंसिडर किया जा सकता है, दो तरह का। जैसे एक सॉलिड वेस्ट होता है, और सॉलिड वेस्ट में क्या होता है, यहाँ पे होता है सॉलिड वेस्ट में, जैसे वेस्ट फ्रॉम आवर हाउसेस, जो हमारे घरों से वेस्ट निकलता है जिसको हम डोमेस्टिक वेस्ट बोलते हैं, वेस्ट फ्रॉम स्कूल, जो हमारे स्कूल से या ऑफिस से निकलता है इसे हम म्यूनिसिपल वेस्ट बोलते हैं, एंड वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज, इसको हम इंडस्ट्रियल वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, अगर हम गार्बेज को मेनली कंसिडर करें तो हम क्या कंसिडर करते हैं सॉलिड वेस्ट के बारे में, यानी कि जो ऐसी चीजें जो ठोस में है। तो ये कई तरह की चीजें इंक्लूड हो सकती हैं, जैसे हमारे घरों से निकलने वाला गार्बेज जिसको हम डोमेस्टिक वेस्ट का नाम देते हैं, और ऐसे वेस्ट जो हमारे स्कूल और ऑफिस से निकलते हैं इनको हम म्युनिसिपल वेस्ट का नाम देते हैं, और ऐसे वेस्ट जो कि इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज से निकलते हैं इनको हम इंडस्ट्रियल वेस्ट कहते हैं। ठीक है, यानी कि हम इसमें पढ़ने वाले हैं डोमेस्टिक वेस्ट के बारे में, म्युनिसिपल वेस्ट के बारे में और इंडस्ट्रियल वेस्ट के। ठीक है, तो सबसे पहले ये हम जान लें कि सोर्स ऑफ वेस्टेज क्या है, सोर्स वेस्टेज आते कहाँ से हैं, कहाँ से ये उत्पन्न होते हैं। तो हमने देखा कि सोर्स ऑफ वेस्ट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इंटू फोर टाइप्स, मुख्य रूप से चार प्रकार में इसको क्लासिफाइड किया गया सोर्स ऑफ वेस्टेज को। जैसे सबसे पहले इंडस्ट्रियल, जो कि इंडस्ट्रीज से आ रहा है, कमर्शियल, जो कि ऐसी म्यूनिसिपालिटी या हम कह सकते हैं कि इस तरह की चीजों से हम बात करेंगे, कमर्शियल वेस्टेज क्या होती है, क्या होते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या होते हैं, डोमेस्टिक के हमने बारे में बात किया, जो हमारे घरों से हमारे किचन से जो वेस्टेज निकलते हैं इनको हम डोमेस्टिक वेस्ट कहते हैं, और एग्रीकल्चर, जो हम खेती के दौरान जो हमारे घर खेत में वेस्टेज हो जाते हैं या इस तरह की चीजों को हम एग्रीकल्चर वेस्ट। यानी कि वेस्ट के जो चार ब्रॉडली क्लासिफाइड किया गया कौन कौन से, तो इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, डोमेस्टिक और एग्रीकल्चर। ठीक है, इसके बारे में आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या है। आप जैसे सोच सकते हो या थोड़ा अगर आप इधर उधर कहीं देखे होंगे, तो इंडस्ट्रीज जो क्या करती है, अलग अलग पदार्थ बनाती है, अलग अलग चीजें बनाती है या अलग अलग वस्तुएं बनाती है, तो क्या उन वस्तुओं को बनाने में कुछ वेस्ट निकलता होगा या कुछ एक्स्ट्रा चीजें निकल जाती होंगी? जी जरूर निकलती हैं। जैसे अगर हम कहें कि हम कुछ अगर कागज का कोई भी चीज फोल्ड करके बना रहे हैं तो क्या होता है, वहां पे कुछ ना कुछ चीजें एक्स्ट्रा निकल जाती हैं, तो हम उसको कट करके क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो जो कट करके हमने निकाल दिया तो क्या हुआ, वेस्ट हुआ। ठीक उसी प्रकार से जब कोई फैक्ट्री जो कोई कंपनी जो है, इंडस्ट्री जो है, कुछ चीजों का उत्पादन करती है तो उसमें कुछ ना कुछ चीजें एक्स्ट्रा हो जाती हैं या वो चीजें बनाते समय खराब हो जाती हैं, तो क्या हो जाती है, वो वेस्ट हो जाती है। ठीक है, तो दीज आर इंडस्ट्रियल वेस्ट किसको कहेंगे, तो दीज आर वेस्टेज, ऐसे वेस्टेज जो फैक्ट्री और इंडस्ट्री में क्रिएट किए जाते हैं, यानी कि फैक्ट्री या इंडस्ट्री में बनते हैं, ये बनते नहीं या हो जाते हैं ये कह सकते हैं। मोस्ट इंडस्ट्रीज डंप दियर वेस्ट इन रिवर एंड सी विच कॉज अ लॉट ऑफ पॉल्यूशन, जो मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज हैं ये अपने जो वेस्टेज हैं इनको डंप कर देती हैं, आसपास के नदियों में बहा देती हैं या समुद्रों में ले जाकर के बहा देती हैं, और ये जो है सबसे बहुत बड़ा कारण बनता है पॉल्यूशन का, प्रदूषण। ठीक है, एग्जाम्पल में अगर हम बात करें प्लास्टिक का एक्स्ट्रा होना, ग्लासेस एक्स्ट्रा, बहुत सारी चीजें हैं, लोहे या इस तरह की चीजें जो होती हैं ना, आप देख रहे हो बहुत सारे वेस्ट होते हैं, कई प्रकार के कुछ केमिकल्स होते हैं जो ग्रीस एंड ऑयल इस तरह के होते हैं, जो किसी चीज की धुलाई होती है तो जो बेकार पानी होता है वो क्या है, इंडस्ट्रियल वेस्ट के नाम से जाना जाता है, तो नदियों में बहा दिया जाता है, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो इंडस्ट्रियल वेस्ट कहलाती हैं। इसके बाद हम देखने वाले हैं कमर्शियल वेस्ट। कमर्शियल का मतलब जो ऑफिसों से निकलता है मोस्टली, जैसे कमर्शियल वेस्ट का क्या मतलब है, स्कूल, कॉलेज, शॉप एंड ऑफिस, इन जगहों से जो वेस्टेज निकलता है, इन जगहों से कैसा वेस्ट निकलेगा, या तो पेपर एक्स्ट्रा हो जाएगा,
पेपर खराब हो गया, हम प्रिंट निकाल रहे हैं, प्रिंट सही नहीं आया तो क्या हो गया, पेपर वेस्ट हो गया, यानी कि ये वेस्ट हो गया। हमारा कंप्यूटर खराब हो गया तो उसकी कोई बॉडी टूट गई या कीपैड खराब हो गया जैसे आप देख रहे हैं, तो ये क्या हो गया, कीपैड जो होगा कंप्यूटर का वो क्या होगा, ये भी वेस्ट हो जाएगा, है ना। कीपैड, अगर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे हम कह सकते हैं कि कॉलेज में है, बेंच टूट गया, मेज टूट गया तो क्या वेस्ट हो गया। शॉप में है तो हम क्या कह रहे हैं, कोई चीज हमने खाया या कोई चीज या किसी पैड आइटम को हमने खोला तो पैकिंग जो है, जो रैपिंग है उसका वो क्या है, वो वेस्ट है। ऑफिस में अगर हम बात करें सेम थिंग, स्कूल उसी तरह से, अगर हमने पेंसिल छिला तो जो छिलका है उसका जो पिल्स है वो क्या है, वेस्ट है। बहुत सारी चीजें हैं, पेपर फाड़ दिया पढ़ते पढ़ते तो क्या है, वेस्ट है ना। तो इस तरह के वेस्टेज कमर्शियल वेस्ट कहलाते हैं जो स्कूल कॉलेज शॉप एंड ऑफिस से तो निकलते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे प्लास्टिक, पेपर, एक्सेट्रा, इस तरह की सारी बहुत सारी चीजें कमर्शियल वेस्ट में आ सकती हैं, ठीक है। फिर हम बात करने वाले हैं यहाँ पे डोमेस्टिक वेस्ट, यानी कि हमारे घरों से कैसे वेस्ट निकलते हैं भाई। हमारे घरों से जैसे हम वाकिफ तो हैं, इतना तो जानते हैं कि हमारे घरों से जो वेस्टेज निकलते हैं, जैसे अगर हम कहें हाउस होल्ड एक्टिविटीज, हम घर की सफाई कर रहे हैं तो कुछ एक्स्ट्रा आइटम वहाँ पड़ा रहता है, जैसे कुकिंग कर रहे हैं तो सब्जियों का छिलका, या कह सकते हैं कि जो खाना एक्स्ट्रा हो गया, या कुछ सामान लेकर के आए हम मार्केट से उसका रैपिंग है ना, क्लीनिंग करते हैं, तो बहुत सारी चीजें, ये सब क्या है, इस सब के बाद जो वेस्टेज होते हैं उनको कहते हैं हम डोमेस्टिक वेस्ट। इसमें क्या हो सकता है, लीव्स, पत्तियां हो सकती हैं किसी चीज की, जैसे हमने पालक की, हम मान लो पालक लेके घर पे आए, है ना, तो पालक में ऐसा तो है नहीं कि पूरा पार्ट एडिबल पार्ट है, उसका कुछ पार्ट काट करके फेंक दिया जाता है, या इस तरह की कुछ चीजें की जाती हैं। वेजिटेबल्स, पिल्स, जो सभी सब्जियां हम लेके आते हैं उनके छिलके उतारते हैं तब उनकी सब्जी बनाते हैं। एक्सक्रिएटा, जो मल मूत्र है इस तरह के, जैसे अगर हम कहें किसी भी पशुओं का, अगर हम कहें तो ये क्या है, पशुओं का जो मल मूत्र है वो क्या है, एक्सक्रिएटा हो गया। तो ये सभी डोमेस्टिक वेस्ट में, ठीक है। जैसे आप देखो, आप अगर कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो इसका जो ये केन है क्या है, वेस्ट है। अगर हम कोई दवाई लेकर के आते हैं उसका बोतल या शीशी क्या है, वेस्ट है। किसी फाइल की कवरिंग है वो क्या है, वेस्ट है। अंडे का जो होल्डिंग वो आता है, कैप आता है, ये क्या है, वेस्ट है। मतलब इस तरह की क्या सारी चीजें क्या है, ये डोमेस्टिक वेस्ट कहलाती हैं जो हमारे घरों से निकलती हैं, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं एग्रीकल्चरल वेस्ट क्या होते हैं, जो कृषि में वेस्ट क्या होता है, किन खेती के करने के दौरान क्या क्या वेस्ट चीजें हो सकती हैं वहां पे। तो वेरियस वेस्टेज प्रोड्यूस इन एग्रीकल्चरल फील्ड और नोन एज एग्रीकल्चरल वेस्टेज। बहुत सारी चीजें हैं जब हम खेती करते हैं तो बहुत सारी चीजें वेस्ट हो जाती हैं वहां पे। जैसे अगर हम कहें कैटल वेस्ट है ना, जो पशुओं के, अब अगर हम पशुओं को चारा खिलाते हैं, मान लो पशु चारा कुछ छोड़ दिया या नहीं खाया तो आगे क्या होगा, दोबारा तो खाएगा नहीं, तो हम उसे निकाल करके फेंक देते हैं तो क्या हो गया, वेस्ट हो गया। वीड जो है, या जो जंगली घास खेतों में उगाते हैं वो क्या है, वेस्ट है। हमने उसको कहीं यूज तो करना नहीं है, हम क्या करते हैं उसको काट करके या खोद करके निकाल के फेंक देते हैं तो क्या है, वेस्ट है। जो हस्क है, जो भूसा है, ये सारी चीजें क्या है, ये वेस्टेज जो एक्स्ट्रा हो जाती हैं हम खेतों में फेंक देते हैं, तो ये कृषि के दौरान होने वाले वेस्टेज हैं, यानी खेती के दौरान होने वाले ये वेस्ट कहलाते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वेस्ट, कितने प्रकार के वेस्ट होते हैं। हमने तो देख लिया कि वेस्ट को हमने चार रूप में क्लासिफाइड कर लिया भाई, कौन कौन से, तो डोमेस्टिक, डोमेस्टिक वेस्ट है ना, इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, एग्रीकल्चरल हो गया, एग्रीकल्चरल वेस्ट हो गया, और क्या हो गया भाई, कमर्शियल हो गया, कमर्शियल वेस्ट हो गया। ये चार तरह में हमने डिवाइड किया था, ठीक है। अब हम देखेंगे इन सभी को अगर कंक्लूड किया जाए तो दो प्रकार के टाइप्स ऑफ, टू टाइप्स है ना, कॉमनली वेस्ट इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, दो प्रकार के होते हैं। अगर हम सही हर जगह से निकालें तो एक होगा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और दूसरा होगा नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। मेनली ये चार, ये तो हो गए चार प्रकार के कहाँ कहाँ से आते हैं, लेकिन अगर इन सब से एक हटा जाए या कह सकते हैं कि क्लासिफाइड किया जाए, इनको वर्गीकृत किया जाए, तो मेनली दो प्रकार के वेस्टेज होते हैं, बायोडिग्रेडेबल और डी बायोडिग्रेडेबल, यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल कह सकते हैं। यानी बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या है, जो आसानी से क्या हो सकता है, कह सकते हैं कि इसको डिकम्पोज हो जाए,
ना, यानी सड़ जाए, या कह सकते हैं कि मिट्टी के साथ मिल जाए, उसको हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। और नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होगा कि जो आसानी से या जो मिट्टी के साथ गले नहीं, सड़े नहीं, उसको हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। आइए इसके बारे में थोड़ा हम जानते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज देखेंगे बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, यानी कि जो आसानी से मिट्टी के साथ सड़ जाए, मिट्टी के साथ मिल जाए, इस तरह को हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ये कहाँ कहाँ से मिल सकता है हमें, तो सबसे पहले देखें, दीज आर वेस्ट दैट कम फ्रॉम आवर किचन, जो हमारे किचन से आता है, जैसे फूड रिमेन्स, भोजन बचा हुआ है, गार्डन वेस्ट, जो हम गार्डन में जो वेस्ट निकलता है, ये सभी क्या है, ये बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। या हम कह सकते हैं बायोडिग्रेडेबल को एक और नाम दिया जाता है, क्या, मॉइस्ट वेस्ट। मॉइस्ट, मॉइस्ट का मतलब क्या होता है, नम या नमी, जिसको मॉइस्चर कहते हैं ना, हम हवा में बोलते हैं मॉइस्चर होता है, नमी होती है, उसी तरह से मॉइस्ट वेस्ट का मतलब क्या हुआ, जो नम कह सकते हैं कि पदार्थ जो है ना, नम अपशिष्ट कह सकते हैं, यानी ऐसे वेस्ट जो भीगे हुए होते हैं, जो गीले होते हैं, उनको वो मोस्टली क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ठीक है। और ये क्या हो सकता है, दिस कैन बी कंपोज टू ऑप्टेन मैन्योर, और ये कंपोज होकर के मैन्योर में कन्वर्ट हो सकता है, यानी खाद बन जाता है, ठीक है। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डिकम्पोजेस देमसेल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल। अब देखिए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होते हैं डिकम्पोज हो जाते हैं, अपने आप से ही ये खत्म हो जाते हैं, यानी इनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। लेकिन एक चीज है यहाँ पे कि ये कुछ तो ऐसे वेस्टेज होते हैं जो, या कह सकते हैं कुछ ऐसे मटेरियल जो होते हैं, जो वेस्टेज जो थोड़े ज्यादा टाइम लेते हैं, डिपेंड करते हैं कि कितने टाइम में वो डिकम्पोज होगा, ठीक है, डिपेंड करेगा। या ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसे वेस्टेज होते हैं जो कम समय में ही डिकम्पोज हो जाते हैं, और कुछ ऐसे वेस्टेज होते हैं जो थोड़ा ज्यादा समय लेते हैं डिकम्पोज होने में। लेकिन कुल मिलाकर के पॉजिटिव थिंग ये है कि वो स्वयं ही देमसेल्व्स ओवर अ पीरियड टू पीरियड ऑफ टाइम डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल, वो खुद से ही बायोडिग्रेडेबल हो जाते हैं, यानी कि खत्म हो जाते हैं, मिट्टी के साथ मिल जाते हैं, ठीक है। फिर हम बात करने वाले हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, ठीक उसका ऑपोजिट। तो दीज आर वेस्टेज विच इंक्लूड ब्रोकन ग्लास पीसेस, अगर ग्लास पीस टूट गया, ग्लास टूट गया, उसके छोटे छोटे टुकड़े हैं, तो क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। प्लास्टिक जो है, ये सभी क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, क्योंकि हम देखते हैं लंबे समय तक इनमें कोई परिवर्तन ही नहीं होता, ना ही ये गलते हैं, ठीक है, इनमें किसी भी प्रकार की ये डिकम्पोज होना जल्दी, डिकम्पोज जल्दी होते ही नहीं है। तो यानी ये हम कह सकते हैं कि अगर दूसरा नाम क्या दे सकते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल का, ड्राई वेस्ट, यानी सूखा अपशिष्ट, सूखा वेस्ट है ये, ठीक है। ड्राई वेस्ट कैन बी रिसाइकल्ड एंड कैन बी रीयूज्ड, लेकिन एक चीज है यहाँ पे कि जो ड्राई वेस्ट होते हैं इनको रिसाइकल किया जा सकता है और दोबारा इनका फिर से प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन सभी का नहीं, कुछ होते हैं ऐसे ड्राई वेस्ट जिनको रिसाइकल किया जाता है और उनको फिर से यूज कर लिया जाता है, ठीक। आइए बात करते हैं यहाँ पे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डू नॉट डिकम्पोज। अब ध्यान देना है कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं ये देमसेल्फ यानी अपने आप से कभी भी डिकम्पोज नहीं होते हैं, है ना, इसलिए हैंस द मेजर पॉल्यूटेंट, और इसे हम क्या बोलते हैं, एक बहुत ही बड़ा, या कह सकते हैं कि बड़ी मात्रा में ये पॉल्यूटेंट हो जाते हैं, यानी कि प्रदूषक बन जाते हैं, जिससे प्रदूषण फैलता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप डिफरेंसेस देख सकते हो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल में। अगर हम ये कहें कि ये क्या है, ये बायोडिग्रेडेबल है ना, और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब यहाँ पे देखिए द टर्म बायोडिग्रेडेबल इज यूज टू नेम एनी मटेरियल दैट कैपेबल ऑफ अंडरगोइंग बायोडिग्रेडेशन, यानी कि एक टर्म है, बायोडिग्रेडेबल क्या है, एक टर्म है, एक प्रक्रिया है, जिससे कि अगर हम कहें कि बायोडिग्रेडेबल क्या है, एक प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया में क्या होता है कि ऐसे मटेरियल जो बायोडिग्रेडेशन हो जाते हैं, अपने आप से ही खत्म हो जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। और दूसरा इसका ठीक अपोजिट है, यानी कि द टर्म नॉन बायोडिग्रेडेबल है ना यूज टू नेम एनी मटेरियल दैट कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाय बायोलॉजिकल मीन्स, अपने आप से ये डिग्रेडेड नहीं होते हैं, उनको हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल क्या है, इजिली एंड क्विकली अंडरगो बायोडिग्रेडेशन, यानी ये आसानी से और जल्दी कह सकते हैं डिकम्पोज हो जाते हैं या मिट्टी के साथ मिल जाते हैं, ठीक है, खाद बन जाते हैं, मैन्योर बन जाते हैं। लेकिन अगर उसी के अपोजिट देखा जाए, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जो होते हैं डू नॉट अंडरगो
बायोडिग्रेडेशन और विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम फॉर बायोडिग्रेडेशन। देखिए कुछ तो ऐसे होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जो तो जो कि बायोडिग्रेडेशन होते ही नहीं, अगर जो कुछ होते भी हैं तो ये लॉन्ग टाइम लेते हैं, क्या करते हैं एक लंबा समय लेते हैं, ध्यान दीजिए लंबा समय लेते हैं तब जाकर के ये बायोडिग्रेडेशन का होता है। दूसरी चीज, रेट ऑफ बायोडिग्रेडेशन इज वेरी हाई। जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होता है इनका जो बायोडिग्रेडेशन का रेट होता है यानी दर जो होती है तेजी से ये हो जाता है और ये काफी स्लो होता है, ठीक है, या तो होता है नहीं या तो होता भी है तो बहुत स्लो होता है। अब इसके एग्जाम्पल में बात करें तो पेपर हो गया, क्लॉथ हो गया, फ्रूट्स हो गया एक्सेट्रा, ये सभी चीजें जो है जिनको हम कहते हैं कि मॉइस्ट वेस्ट यानी कि नम वेस्ट है ना, ये क्या होती है बायोडिग्रेडेबल होती है, जो जल्दी से जल्दी यानी तेजी से बायोडिग्रेडेशन हो जाता है इनका। लेकिन अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें क्या आता है प्लास्टिक, पॉलीथीन एंड मेनी अदर सिंथेटिक पॉलीमर मटेरियल, बहुत सारे ऐसे सिंथेटिक पॉलीमर मटेरियल हैं जो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं जिनको कहा जाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। अब यहाँ पे इन चीजों को हम देखने वाले हैं कि जो बायोडिग्रेडेबल या नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं जो वेस्टेज हैं इनका हम डिस्पोजल कैसे करते हैं, कैसे हम बायोडिग्रेड करते हैं और ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उनका हम क्या करते हैं। तो ध्यान दीजिए कि मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल क्या क्या तरीके हैं इनके, ठीक है। अब बात करें हम यहाँ पे कि जो गार्बेज एक्युमुलेशन हैज नेवर बीन मच ऑफ कंसर्न इन द पास्ट में जो गार्बेज एक्युमुलेशन था, जो कह सकते हैं कि संग्रह था, ढेर था, ये बहुत ज्यादा हमने कंसर्न नहीं किया यानी कि उस पर क्या किया चिंता नहीं की। लेकिन ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन देयर इज अ नीड फॉर मोर एफिशियंट वेस्ट डिस्पोजल मेथड। लेकिन जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन होने लगा है ना, भूमंडलीकरण हुआ या कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ये आने लगा और ये सामने दिखने लगा तो हमें इसके बारे में चिंता करनी पड़ी, ठीक है। तो हम इसको क्या देख सकते हैं इस तरह की चीजों को, तो आप देखो यहाँ सम ऑफ मेथड दैट आर यूज टूडे और इसको हम खत्म करने के लिए कुछ न कुछ चीजें यूज करते हैं, तो कुछ मेथड यहाँ पे है जो हम आज प्रयोग कर रहे हैं। जैसे अगर आप देखो लैंडफिल, हम गार्बेज क्या करते हैं लैंडफिल करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम कहें कि किसी लो लेइंग एरिया है जो गड्ढे वाले क्षेत्र हैं उनमें हम ले जाकर के पतली लेयर में ये जो गार्बेज है इनको बिछा देते हैं, फैला देते हैं, फिर उसके ऊपर मिट्टी का एक लेयर डालते हैं, फिर उसके बाद उस पर फिर डालते हैं, ऐसे करते करते एक लो लेइंग कह सकते हैं एरियाज को हम लैंडफिल कर देते हैं यानी उसकी मिट्टी जो है बाकी एरिया के बराबर कर देते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम पूरा डिटेल पढ़ने वाले हैं। इंसिनरेशन का मतलब क्या हुआ भाई, भस्मीकरण यानी कि इसको जला देना। कुछ ऐसे भी चीजें हैं जिनको जलाना पड़ता है तब जाकर के इनका अस्तित्व समाप्त होता है। वेस्ट कंपैक्शन, ठीक है, यानी किसी भी वेस्ट का संघनन करना यानी ढेर करना, इकट्ठा करना, ठीक है, इकट्ठा करके फिर उसका कहीं ना कहीं हम उसको यूटिलाइज करते हैं उसकी प्रॉपर्टी के अनुसार, ठीक है। बायोगैस जनरेशन, जो वेस्टेज हैं उनसे हम बायोगैस का जनरेट करते हैं यानी उत्पादित करते हैं। कंपोस्टिंग, जो कंपोस्ट होने वाले हैं यानी कि जो बायोडिग्रेडेबल हैं उनको हम कंपोस्ट बना लेते हैं, खाद बना लेते हैं, या कुछ ऐसी चीजें जो होती हैं जिनको वर्मी कंपोस्टिंग यानी कि जो कीट पतंगों वालों होता है ना, कृमि खाद जिसको बोलते हैं, जो केचुआ जो होता है इसको ला करके हम प्रयोग में करते हैं, प्रयोग में लाते हैं केचुआ को और खाद बनाने का काम करते हैं, ठीक है। तो आज के इस पॉइंट में या कह सकते हैं कि आज के इस वीडियो में इतना ही, आगे हम इन सभी के डिटेल को पढ़ने वाले हैं कि लैंडफिल क्या है, इंसिनरेशन क्या है, वेस्ट कंपैक्शन क्या है, बायोगैस जनरेशन कैसे करते हैं, कंपोस्टिंग क्या है और वर्मी कंपोस्टिंग, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको इतना समझ में आया होगा ये लेक्चर, तो अगर आपको ये समझ में आता है तो जरूर मुझे कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। तब तक के लिए जल्दी मिलेंगे हम इसके अगले पार्ट के साथ, और तब तक के लिए नमस्कार, अपना और अपनों का ध्यान रखें, ठीक है।